beautiful people, I'm Oshin and welcome back to my channel. So guys, for today's video, I'm gonna try a Korean inspired noodles. So guys, मेरा बहुत दिनों से मन था इसे try करने का because ये Instagram पे बहुत ही ज़्यादा viral है. And आपको तो पता है कि आजकल K-pop and K-dramas और जो Korean style, dressing style है और Korean food है वो कितना ज़्यादा viral है, लोग कितना ज़्यादा try कर रहे हैं किमची वगैरह. सो मुझे आज ट्राई करने का मन किया कोरियन जो नूडल्स बनाते हैं उसका. तो उसका जो रेसिपी है वो डिफरेंट है, मतलब अलग ही तरीके से बनाते हैं. सो टुडे आई एम गोना ट्राई इट. सो इफ यू रियली लाइकिंग प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले हम बॉइल्ड नूडल्स ले लेंगे, उसे बॉइल करके अलग से रख लेंगे. फिर हम एक बोल में टेस्ट मेकर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम, उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे एंड फिर तिली डाल देंगे. एंड गाइस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद हम सोया सॉस डाल लेंगे एंड फिर हॉट ऑयल डाल देंगे. तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस, हम वो जो नूडल्स बॉइल्ड करके रखे थे उसे डाल देंगे एंड उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. गाइस, हम इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाले. एंड फिर लास्ट में से गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी. टंटना, सो मेरा कोरियन इंस्पायर्ड नूडल्स एकदम रेडी है. एंड यू नो, मुझे बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है, मतलब यू नो नूडल्स तो मैंने पहले अलग से पका लिए थे, फिर वो सब अलग से डाला, उसे पकाया नहीं गया है. लेकिन ना मुझे लग रहा है तिली का क्या स्वाद आएगा, मतलब मुझे, मैं इस चीज़ के लिए बहुत, और लिटरली अभी मैंने से बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, मैं कैमरे के सामने ही टेस्ट करने वाली हूँ. तो चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं तिली का क्या टेस्ट आता है, और वो भी बिना पकी हुई, क्योंकि हमने जो हॉट ऑयल है वो अलग से डाला है. यार सच ही बताऊं, बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है. मतलब ना मैं मैगी नहीं बनाने वाली, मैं यही बनाऊंगी. और शायद ना मैंने चिली फ्लेक्स ज्यादा डाल दिया है तो ये तीखा हो गया है. और जो तिली के दाने हैं ना वो हल्के से लास्ट में हार्ड हार्ड लग रहे हैं, लेकिन उतने मतलब मैटर नहीं करते हैं. बट ये जो ये वो कोरियन स्टाइल की मैगी है, मतलब मैगी बोलो नूडल्स बोलो, बहुत टेस्टी लग रही है. ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है. और अब मैं ना वीडियो को एंड कर रही हूँ और इसे यहाँ पे रख रही हूँ, बिकॉज अब मैं इसे आराम से वीडियो एंड करके इसे खाऊंगी आराम से. एंड गाइस, यू नो कैमरे के पीछे से मेरी बहन भी बोल रही है मुझसे इशारे कर करके कि मुझे भी टेस्ट कराना है, इसे पूरा मत खाना. और हमेशा मैं कोई भी फूड रिलेटेड वीडियो करती हूँ ना तो वो ऐसे ही करती है. और हमने ना इसे ज्यादा नहीं बनाया था, मतलब एक ही पैकेट मैंने ट्राई किया था कि क्या पता ये टेस्ट में कैसी रहती है. लेकिन फंटास्टिक है, आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. एंड रेट करने की बात हो तो मैं तो इसे 10 out of 10 रेट करूंगी या 9.5 ही करूंगी, क्योंकि जो हल्के से तिली के दाने हैं वो थोड़े हार्ड लग रहे हैं लेकिन वो इतने मैटर नहीं करते हैं. सो गाइज, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल ट्राई करिए बिकॉज ये बहुत टेस्टी है. सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बी ब्यूटीफुल, बी सेफ.